कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर हर कोई परेशान है। सभी देश कैसे भी इस विपदा से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर फ्रांस। सब कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी हम जीत जाएं और हमसे ये वैश्विक महामारी हार जाए। और इस लड़ाई में जीत हासिल करते हुए आखिरकार फ्रांस ने वो मुकाम हासिल कर लिया जब वो सब कुछ खोल सकता है, अपने देश पर लगा ताला खोल सकता है। अफसोस की बात है कि भारत ने भी लॉकडाउन खोला, लेकिन कोरोना से जीतने के बाद नहीं बल्कि मजबूरी में। उसी का जो नतीजा है कि भारत में अब कोरोना काबू में नहीं है, लेकिन फ्रांस ने महामारी की चुनौती को स्वीकार किया और जीता भी। अब फ्रांस अपने देश को रीओपन करने जा रहा है। यूरोप में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित देश फ्रांस 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब अपने बंद दरवाजों को खोल रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बॉर्डर से लेकर रेस्टोरेंट्स तक भी खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। फ्रांस में जब पिछले कुछ दिन से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी गई, उसके बाद इस फैसले को लिया गया। फ्रांस की सरकार ने रेस्टोरेंट्स, कैफे, बार, स्कूल और बॉर्डर सभी कुछ खोलने का फैसला कर लिया है। रविवार को देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, 22 जून से नर्सरी, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल खुल जाएंगे। साथ ही स्कूलों में अटेंडेंस भी मैंडेटरी की गई है। पेरिस के रेस्टोरेंट्स को भी खोलने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रपति ने बॉर्डर खोलने के भी निर्देश दिए। यूरोपीय देशों के यात्रियों को फ्रांस आने की अनुमति दी गई। ब्रिटेन और स्पेन के यात्रियों को सेल्फ क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया है। बाकी अन्य देशों को भी फ्रांस आने की अनुमति 1 जुलाई से दी जाएगी। अमेरिकन और एशियन देशों के लिए भी अभी एंट्री नहीं खोली गई है। इससे पहले फ्रांस में मई में लॉकडाउन में हल्की ढील दी गई थी और लोगों को घर से निकलने की इजाजत दी गई थी। इसके साथ ही मैक्रों ने इस खतरे का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इससे जीत जरूर हुई है। आपको बता दें कि फ्रांस में भी हालात काबू में आने वाले नहीं थे। अप्रैल में फ्रांस ने कोरोना वायरस की मार को झेला। हालात ये थे कि फ्रांस कोरोना के सबसे संक्रमित देशों की सूची में टॉप 5 में पहुंच गया था, लेकिन अब हालात में थोड़ा सुधार देखा गया है। लेकिन अब क्योंकि भारत और ब्राजील ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है, तो फ्रांस नीचे खिसक गया है। एक डेटा के मुताबिक जून में जहां औसतन 700 से कम कोरोना केस आ रहे हैं, वहीं हर दिन की मौत का औसत भी 20 के आसपास पहुंच गया है। जबकि फ्रांस ने एक वक्त ऐसा भी देखा जब एक दिन में 1000 या फिर उससे ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। 16 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,94,305 है, जिसमें से 29,439 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में एक्टिव केस की संख्या 55,000 से नीचे खिसक आई है।